हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि उस टाइम उसे क्या करना चाहिए जिससे वो और उसका बेबी दोनों ही सही रहे। ऐसे में एक सवाल ये भी होता है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान चावल खाना चाहिए या फिर रोटी खाना चाहिए, हमारे लिए क्या सही हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में चावल खाना चाहिए या फिर रोटी खाना चाहिए, चावल खाने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। वैसे तो प्रेग्नेंट महिला को अपने खाने में उन सभी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें पोषक तत्व हों, जो हेल्दी हों, जिनसे माँ और बच्चे दोनों को फ़ायदा मिल सके, जैसे कि दाल, सब्जी, चावल, रोटी, इन सबको शामिल करना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में चावल खाना ज़्यादा पसंद करती हैं और वो जानना चाहती हैं कि चावल ज़्यादा अच्छा है या फिर रोटी। तो देखिए, रोटी खाने से आपको एनर्जी मिलती है, इसके अलावा रोटी में फाइबर ज़्यादा होता है जिससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है, बॉडी में खून की कमी पूरी होती है, और साथ के साथ रोटी में पोटेशियम होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। वहीं अगर आप चावल खाते हैं तो चावल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको कई तरीके की इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा चावल में विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये सब होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी होते हैं। चावल में कैल्शियम होता है जिससे आपकी हड्डियों में मजबूती मिलती है। चावल में पानी भरपूर मात्रा में होता है। आपने अक्सर करके सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे। तो अगर आप चावल खाते हैं तो उससे आपकी पानी की कमी दूर की जा सकती है। पर चावल खाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि अगर आपका वजन पहले से ही बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर आप चावल खाती हैं तो आपका वजन और बढ़ सकता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप अपने खाने में चावल ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा ज़्यादा चावल खाने से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, इसलिए जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ होती है आपको पता होगा कि उन्हें चावल खाने के लिए मना किया जाता है। और कभी कभी प्रेग्नेंट महिला को कच्चे चावल खाने का भी बहुत मन करने लगता है। तो आपको कच्चे चावल किसी भी हालत में नहीं खाने हैं, क्योंकि इससे आपके बेबी को नुकसान पहुँच सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में चावल खा सकती हैं या फिर नहीं खा सकती हैं। आप अपनी डेली डाइट में चावल को यूज़ कर सकते हैं, पर उतना ही यूज़ करें जो आपके लिए हेल्दी हो। अगर देखा जाए तो चावल खाने में और पचाने में बहुत ही आसानी होती है, पर आपको उसे अच्छे से ही पकाकर खाना है, चाहे वो बॉईल करके, फ्राई करके, जैसे भी आप खाना चाहते हैं वैसे आप खा सकते हैं। और रोटी का भी आपको सेवन ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि चावल में किसी भी तरीके का कीटनाशक यूज़ तो नहीं किया गया, क्योंकि इससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। कई बार इन्हें स्टोर करने के लिए कीड़े मारने वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकती है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको पता चला होगा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान चावल खाने चाहिए या फिर रोटी। तो अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर DM करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।